अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज हम आए हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा स्टार्टिंग में। और अब आप लोग कह रहे होंगे फिर इम्तियाज़ में आ गई, मतलब क्या इम्तियाज़ सुपरमार्केट जिसमें मैं आई हूँ ना, ये कराची का सबसे बड़ा इम्तियाज़ सुपरमार्केट है DHA साइट पर, ठीक है। जो कयूमाबाद की साइट पर है वो छोटा है, मतलब इससे ये बड़ा है। जो कराची में जितनी ब्रांचेज हैं ना इम्तियाज़ की, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी तक भी कुछ चीज़ें रह गई हैं इस वीडियो के अलावा भी, और नेक्स्ट के अलावा भी शायद अभी बहुत कुछ रहता है, क्योंकि बड़ा ही इतना है कि अभी प्रॉपर दिखाई नहीं पा रही मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं फाइनली, और अभी इस व्लॉग में भी फाइनल नहीं हो पाएगा। मतलब ईद की शॉपिंग क्या एक से दो वीडियो में, एक से दो बार जाने में कंप्लीट होती है क्या? नहीं भाई, हम लड़कियों की मतलब सिलेक्शन ही इतना चूज़ी है ना हम लड़कियाँ, कि मतलब एक बार में हमें समझ में नहीं आएगा और ना पसंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं ब्रेसलेट्स देख रही थी जो कि मेरे साइज़ के बिल्कुल भी नहीं थे, इतनी सी कलाई और इतने बड़े ब्रेसलेट, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आए। मेरा था कि मैं चूड़ियाँ ना लूँ, मैं ब्रेसलेट ले लूँ, लाइक वॉच एंड ब्रेसलेट, बट मुझे पसंद नहीं आया। और व्लॉग बहुत 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 ज़बरदस्त है, बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, सच में बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे बात आ जाती है रिंग्स की, और जो लड़कियाँ बहुत बहुत शौकीन है ना रिंग्स की, मतलब जो कहती हैं कि हमारे हाथ भरे भरे रहें, और मुझे बैंगल्स पसंद आए थे, पर मेरी मासूम सी ख्वाहिश है, ये देखिए मेरी कलाई और बैंगल्स, उफ मतलब बैंगल्स कह रहे हमें उतार दो, मतलब शायद बैंगल्स की तौहीन हो रही है ऐसा करके, मेरी अम्मी ने कहा बेटा तो उतार दें। खैर मुझे ये वाले बहुत बहुत पसंद आए, एक नज़र वाला पसंद होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो ये ट्राई करते हैं, जो थे ना ये मेरे साइज़ के थे, एकदम परफेक्ट साइज़, ठीक है परफेक्ट। कितनी प्यारी लग रही, कभी कभी ना हम खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं, कभी कभी हम कितना भी अच्छा पहने फिर भी प्यारे नहीं लग रहे होते, ये भी हकीकत है। और यहाँ पे अम्मी के लिए मैं सेलेक्ट कर रही थी रिंग्स। आप अगर ख़ुद के लिए लेते हो ना ईद पे, अम्मियों का क्या होता है, नॉर्मली अम्मियाँ नया सूट पहन लिया, हल्का सा कोई नॉर्मली क्रीम या बीबी क्रीम या वैसी कुछ लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो नहीं, ऐसे ही सिंपल अम्मियाँ जो है नए कपड़े पहन लिए और वही हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। अपनी अम्मियों के लिए आप खुद ज़बरदस्ती ले लिया करें, ठीक है, जैसा कि मैं कर रही थी। और अम्मी के साथ सच में शॉपिंग पे जा करना, लाइक ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपनी लाइक बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ, ऐसा वाला फील आ रहा होता है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बिल्कुल लाइक वैसा वाला एक फील आता है, सच में बहुत मज़ा आता है। आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है अम्मी के साथ जाके, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब अगर मैं ज़्यादा चीज़ देख लूँ ना माइंड एकदम हैंग हो जाता है, मतलब क्या है ये, ऐसा करूँ भाई हमें सारी दे दो, हम जो समझ आएगा ना पेन भी लेंगे और बस ठीक वाला काम है। खैर यहाँ पर मुझे लेनी थी नोज पेन, और इसमें भी सिलेक्टेड की बात आ जाती है, जो पहले वाला बॉक्स था ना उसमें मुझे समझ नहीं आया, देन मैंने कहा ना भाई ना, भैया जी ये वाला दिखाइए ना, ऐसा करके। और बहुत 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 नाजुक सी थी और बहुत ही प्यारी सच में। और यहाँ पे सारे इयररिंग्स एंड झुमके थे। अच्छा मुझे यहाँ पे झुमके पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं सिलेक्टेड लेती हूँ और मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, मतलब कि मुझे समझ सच में नहीं आया। और यहाँ पे मेहंदी भी रखी हुई थी, और यहाँ पे मेहंदी की कौन 55 की थी और जेजअप में 65। और यहाँ पे हम मुझे सैंडल तो लेनी थी, जूती तो मुझे कन्फर्मली लेनी थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जूती का मैं क्या सोचती हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं वो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं ये सोचती हूँ मेरा जो फेवरेट कलर सैंडल्स में वो सबसे टॉप पे है रॉयल गोल्ड, ठीक है, जो मतलब सही लगता है, उसके बाद ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं लेने पे आऊँ ना तो मैं रॉयल गोल्ड को सेकंड पे करती हूँ, टॉप चॉइस माय ब्लैक। और ब्लैक का ऐसा होता है आप त्यौहार पे भी पहन लो, इवेंट पे पहन लो, एंड देन नॉर्मली भी आप उसे कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जो जिन भाई ने मुझे सैंडल्स निकाल के दी थी ना वो मुझे देख रहे थे, मतलब ये क्या कर रही हैं, मतलब कितनी मासूमाना इनकी हरकतें हैं, मतलब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है इनको, ऐसा वाला रहता है।
मतलब जो दिखाने वाले होते हैं ना, तो वो मतलब इस तरीके से हमें देख रहे होते हैं, मतलब बहन तुम कहाँ से आ गई हो, ऐसा वाला ना। खैर मैं यहाँ पर आई तो मैंने कहा आप लोग को कपड़े भी दिखा दिए जाए कि इम्तियाज़ में क्या वैरायटी आई हुई है। बहुत ही शॉर्ट सा क्लिप लिया है कपड़ों का, बहुत सारा डिटेल वीडियो कपड़ों की नहीं है क्योंकि कपड़ों की ऑलरेडी मैं ब्लॉग्स शेयर कर चुकी हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे पहले के ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप जाके देखिए, वहाँ पर मैंने कपड़ों की अबाया इसकी सारी कलेक्शन शेयर की, और ज़्यादा बर्तनों की तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके के कपड़े थे एंड देन, और ये बहन जी बेचारी खड़े खड़े थक गई होंगी, क्यों ना हमने कहा इनसे भी हाय हेलो कर ली जाए, क्या ख्याल। और यहाँ पे मैं आऊँ, और इम्तियाज़ में मुझे सच में स्कार्फ बहुत पसंद आते हैं, मतलब बहुत 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 पसंद आते हैं। और ईद की शॉपिंग हो रही है, आप नॉर्मल चीज़ें ले रहे हो, स्कार्फ नहीं ले रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने अबाया स्कार्फ ऐसा कुछ लेना चाहिए। और यहाँ पे हम थक गए, ऊपर के पोर्शन से नीचे आ गए, नीचे आके लगी बहुत ज़्यादा प्यास, और यहाँ पे हमने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया, और अम्मी के लिए मैंने लिया बनाना शेक। बहुत ही मतलब भाई इतना थके हुए थे ना, कितनी मुश्किल से उसने ये जूस बनाया। नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर डिटेल वीडियो मिलेगी, इसका पार्ट टू भी ज़रूर आने वाला है। एंड आई होप सो कि व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, इंतज़ार करिएगा पार्ट टू का। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाही।